जाएंगे, पहले दिन ही बन जाएंगे। लेकिन आज बाद के लिए नहीं, बाद के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन पहला दिन ही अच्छा सप्ताह का रहेगा। सप्ताह के मध्य में जब थोड़ा सा असंतोष रहेगा, और सप्ताह का अंत आपका बहुत अच्छा रहेगा। पहला और आखिरी बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह का मध्य जो है तो ठीक नहीं है। प्रारंभ में तुला राशि वालों के लिए, आपके लिए जो विद्या बुद्धि में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए ये सप्ताह ठीक नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद है। क्योंकि आपका जो शनिदेव हैं, आपकी तुला राशि से चतुर्थ चल रहे हैं। चतुर्थ शनिदेव क्या कर रहे हैं, सबसे रोग शत्रुओं को बाधा पहुंचा रहे हैं, और आपके लिए कर्म क्षेत्र में भी बाधा पहुंचा रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपके व्यक्तित्व में भी थोड़ा प्रभाव असंतोषप्रद दिख रहा है, इसलिए उसका सावधान रहना है। और गुरुदेव आपके राशि से जो है सो तृतीय चल रहे हैं, वो बहुत उत्तम है। पत्नी की सलाह से आप काम करें, पत्नी आपको जो सलाह देगी वो नहीं माने करेंगे तो आपका विवाद होगा, इसलिए उनका उपदेश उनकी सलाह मान होना चाहिए। और लाभप्रद अच्छे मार्ग से आपको लाभ होगा, जो लाभ अभी तक रुका हुआ था, तुला राशि वालों के लिए अच्छे मार्ग से लाभ होने की संभावना पूरी पूरी दिख रही है। और साथ साथ में आपके जो सूर्यदेव हैं, आपकी धनु राशि से सूर्यदेव जैसो चल रहे हैं, छठ में चल रहे हैं। छठ में जब सूर्य चल रहे हैं तो क्या करेंगे, तुला राशि वालों के लिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन और कर्क दसवें सूर्य हैं, दसम सूर्य हैं। दसम सूर्य जो है सो आपके लिए कर्म इप्सितम यानी कर्म क्षेत्र में जो सरकारी नौकरी में लगे हैं उनके लिए उन्नति का समय है, हर्षवर्धन का समय है। सरकारी जो कार्य करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्टरों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट इस सप्ताह में मिल सकता है, अच्छा भरपूर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, लोहा मशीन से संबंधित कोई भी कार्य आप ना करें तो ही अच्छा है, नहीं सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए इसका सावधानी रखना है। तेल का व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय और होटल का जो खाने पीने के होटल का व्यवसाय, उनके लिए भी ठीक सप्ताह नहीं है, उनको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके शनिदेव चतुर्थ चल रहे हैं, रोग शत्रु विनाश है, कर्म से इतना हानि है, व्यक्तित्व को अनावश्यक जो है सो हानि पहुँचा रहे हैं, इस प्रकार शनिदेव कर रहे हैं। और आपके लिए जो है सो एकादशे सर्वलाभम, आपके चंद्रदेव जो है सो अभी सप्तम चलेंगे इसी सप्ताह में, छठ में चलेंगे, सात में और आठ में, तीन प्रकार से चलेंगे। सप्ताह के अंत में जो आठ में चंद्रदेव रहेंगे वो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है, कोई एक्सीडेंट से बचाव रखना है, कोई दुर्घटना ना हो जाए इससे सावधान रहना है, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। साथ साथ में आपके तुला राशि से तृतीय स्थान पर जो है तो गुरुदेव हैं, तृतीय स्थान के गुरु का मैंने वर्णन किया, और चतुर्थ स्थान पर आपके शनिदेव हैं उनका वर्णन किया, राहु देव का वर्णन किया, और अब आपका जो है तो मंगल देव जो है तो आपकी तुला राशि से छठ में चल रहे हैं, वो तुला राशि वालों को रोग शत्रु विनाशक हैं मंगल देव, इसलिए वो आपके ऊपर पूर्ण कृपा पात्र बने रहेंगे। इस प्रकार के सप्ताह आपका परिपूर्ण या सो मिला जुला फल देने वाला बना रहेगा। हरिओम।